नमस्कार, ये एक ग्लोबल का इन्वर्टर है। इसमें प्रॉब्लम है कि बैटरी लगाने पर भी ये काम नहीं करता, मतलब ऑन नहीं होता। तो इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो ट्रैक लगा हुआ है, ये तीन ट्रैक इधर है और इसके नीचे में, मतलब दूसरी तरफ भी जो तीन ट्रैक है, ये तीन ट्रैक टोटल, ये छः ट्रैक बार बार शॉर्ट हो जा रहा है। जितना बार भी बदले ट्रैक शॉर्ट हो जाता है। तो इसका मेन कारण है शॉर्ट होने का, ये देखिए यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक ये हो गया और एक ये ट्रांजिस्टर। इसके शॉर्ट होने पर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, और इसमें जो आईसी लगा है इसके शॉर्ट होने पर या ओपन होने पर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए हम इसका को रिपेयरिंग कैसे करना है हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, ये है तीन ट्रैक, इन तीनों का नंबर है P55। इसके अलावा इसके नीचे में लगा हुआ है, हर ट्रैक के नीचे में तीन रेजिस्टेंस लगा है, तीनों का नंबर है 22 ओम, 22 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके अलावा इसके पीछे तरफ भी सेम वही ट्रैक लगा हुआ है P55, और नीचे में लगा 22 ओम का रेजिस्टेंस। तो ज़्यादातर ये ट्रैक, ये छः ट्रैक शॉर्ट होने पर ये प्रॉब्लम आता है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये छः ट्रैक को बदलने के बाद आपको इसके नीचे में जो लगा रेजिस्टेंस है, ये तीन रेजिस्टेंस इधर है और तीन रेजिस्टेंस इधर है, इन तीनों रेजिस्टेंस को भी आपको बारी से आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक शॉर्ट होने के कारण ये अक्सर ये तीनों छः रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है। तो इनको बनाने, इनको चेक करने के बाद या बदलने के बाद पहले हम जाएंगे सर्किट पे। तो सर्किट में जो किट लगा है, इस किट में दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, नंबर है BC557। इस ट्रांजिस्टर का भी नंबर भी सेम है, BC557, ये दोनों ट्रांजिस्टर का सेम नंबर है। तो इन ट्रांजिस्टर को भी आपको चेक करना पड़ेगा। अक्सर छः ट्रैक है, इनके शॉर्ट होने पर ये ट्रांजिस्टर भी अक्सर शॉर्ट हो जाता है। तो इनको भी आपको चेक करके इनको भी आपको बदलना पड़ेगा। तो इतने में ही आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। तो ज़्यादातर इन्हीं में से ये प्रॉब्लम आता है। और यदि ये ट्रांजिस्टर सही है फिर भी ट्रैक ओपन हो रहा है या शॉर्ट हो जा रहा है छः ट्रैक, तो अंत में हमको ये जो आईसी लगा हुआ है, इसका नंबर है SG3524N, इनको बनना पड़ सकता है। तो इतने में आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। धन्यवाद।